नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी मेदू वड़ा की रेसिपी। इसके लिए मैंने ली है 1.5 कप उड़द की दाल। उड़द की धुली हुई दाल ली है मैंने। इस दाल को हम अच्छे से धो के 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो मैंने ये भिगो के रख ली थी। 4 से 5 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल गई है और ये अच्छे से गल भी गई है। इसका पानी हम निकाल देंगे और मिक्सर के जार में डाल देंगे। दाल के साथ इसमें हम 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। इसे भी हम इसके साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ, एक बार इसे ऐसे ही ग्राइंड करूँगी। एक बार ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें हम, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने से ये ज़्यादा ऑयल सोक करेगा। तो ये सारा मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे निकाल लेंगे बड़े बोल में। वड़े के बैटर में हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। करीबन 2 से 3 मिनट तक फेंटेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतने अच्छे हमारे वड़े बनेंगे। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मत डालें। चावल का आटा डालने से बड़े क्रिस्पी बनेंगे। एक बार फिर से फेंट लेंगे इसको अच्छे से, और चेक करने के लिए कि बैटर तैयार हो गया है कि नहीं, एक पानी के बोल में थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। अगर ये ऊपर तैर रहा है और नीचे बैठ नहीं रहा है, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। अब इसके हम वड़े बनाएंगे। वड़े बनाने से पहले इसमें हम कड़ी पत्ते डाल देंगे। तो ये कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरीके से इकट्ठा करके और रोल बना लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। बाकी बचे हुए भी डाल लेंगे इसमें हम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। हाथों को पानी में डिप करेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ पे, और फिंगर को पानी में डिप करके वड़े में होल बना लेंगे इस तरीके से। दूसरा हाथ डिप करके वड़े को दूसरे हाथ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको थोड़ी सी शेप दे देंगे। अब इस वड़े को हम ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस को लो टू मीडियम हीट पर ही रखा है। एक तरफ से हल्का फ्राई होने पर इसको पलट लेंगे। तो इस तरीके से हम एक वड़ा और बनाएंगे। हाथों को पानी में अच्छे से दोबारा से डिप करेंगे, थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ पे, और फिंगर को पानी में डिप करके इसमें एक होल बना लेंगे, और फिर से दूसरा हाथ डिप करके इसको हाथ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसकी शेप अच्छे से ठीक कर लेंगे और इसको भी हम ऑयल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। इस तरीके से हम बाकी वड़े भी बना लेंगे। तो मैंने ये बना लिए हैं। हाफ डन होने पर इनको हम निकाल लेंगे।
तो मेरे ये हाफ डन हो गए हैं, मैंने इनको निकाल लिया है। इन बड़ों को हम दोबारा से फ्राई करेंगे। तो मैंने ये फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने पर इनको निकाल लेंगे। तो ये मेरे हो गए हैं, मैंने निकाल रही हूँ। इसी तरीके से हम बाकी बड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो ये मेरे बड़े तैयार हो गए हैं। इन बड़ों को आप सांभर के साथ या नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।